हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मम्मी के फोटो के साथ आज की व्लॉग की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है मम्मी का छाया। मम्मी का छाया है, आज चौथा छाया है, चौथा छाया है। और आ गए हैं एक सबसे पहले ब्राह्मण बाबू, गोलू भी आने वाला है, पापा आ गए इधर। तो छाया की शुरुआत, हाँ झाओ जी छथिन रास्ता में, अतः सीमापुरी पहुँच गए छथिन। और ब्राह्मण ब्राह्मण ने तो प्रणाम नहीं करेगा, है ना। तो मम्मी की फोटो के साथ आज की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से मामी लोग लगे हुए थे, सबका नहाना धोना होता क्या है छाया में ना, हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं और तीन ब्राह्मणों को कराते हैं, तो एक तो हमारा परमानेंट गोलू है ही, परमानेंट ब्राह्मण है गोलू। मैं कहती भी हूँ बदल दे भाई, तो नहीं, गोलू को तो रहना ही है। और यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कार्यकर्ता लोग सुबह से लगे हुए हैं और मेरी भतीजी भी लगी हुई थी सुबह से। मेरी भतीजी को इतना ही लोगों ने काम करवाया कि वो अभी दो तीन घंटे से पप्पा सो रही है, नौ बजे से सो रही है, 12:30 हो गए। टैपन कर लो, नहीं तो बैकग्राउंड म्यूजिक अलग ही आएगी। सही में आराम से हाथ हाथ बचा हो गया, बहुत काम करवाया ना आज भतीजी से। मैं तो अभी अभी सो के उठी हूं, बस सारा काम ये सो के उठी है, सारा काम मैंने किया और मेरी भतीजी ने, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सारा काम तो बना क्या क्या है, वो बना क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या है सब। हाँ नीचा में पड़ा हाथ, नीचा को गद्दा गद्दे पे से घिसक के नीचे फर्श पे सर रख लेती है इतनी। तो आज बुआ भतीजी ने क्या क्या बनाया वो दिखा रही हूं। सबसे पहले पकोड़े देख लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है और यहीं एंड होता है। ये है, हाँ हाँ कौदियो ना पप्पा, कौदियो गोलू के हम बनबई छे खाने के। और दिखाओ दिखाओ, मामी जी बताएंगी क्या क्या बनाई हूँ मैं। हाँ मामी जी बताएंगी क्या क्या, सही कह रही हूँ ना। और इसने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये है गरम गरम चावल, ठीक है, गरम गरम चावल है। यहाँ है दाल, यहाँ है दाल, दाल दे दिया, दाल बहुत सब्जी। हाँ बहुत सही ना, हाँ भाई मैं बनाऊंगी तो ऐसी बनेगी ना, ये बात भी सही। हाँ। ये खाली है, इसमें साग खाली कर रही है, छोटी साग बन गरम मत रखो भाई प्लास्टिक में। ये है आलू गोभी, सबसे पहले बन गई थी देखो जम गई। आलू गोभी मटर, मटर सिर्फ आलू गोभी नहीं है, ठीक है। आगे दिखाओ क्या क्या बनाई हूँ मैं। यहाँ है कटहल, यहाँ है कटहल, वो भी एकदम सूखा सूखा, सिर्फ और सिर्फ कटहल। और सबसे खास बात की ये जो, हाँ ये जो सब्जी और खाना बनता है ना, सारा बिना प्याज लहसुन के बनता है, तो देख लीजिए ये है बैंगन और अदौरी। ये बहुत कम बनवाया हम लोगों ने क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। क्या होता है, हाँ। ब्राह्मण ही खाते हैं, बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, नहीं लेते। ये है सब, और रात ही बनाया था बैंगन, इसीलिए बैंगन बनाए थे। और सबके पसंदीदा ओल की चटनी, ओल की चटनी, जिमीकंद की चटनी, वहाँ है हरी चटनी, आंवला और धनिया। और कुछ रह गया है साग, ये रहा साग और बेसन और पकौड़े, और ये रहा बैटर और पापड़ छानेंगे, और ये रहा पापड़, ये रही कढ़ाई, मिठाई, ये रही मिठाई, ये रही फ्रिज में दही, और ये रही फ्रिज में दही। हाँ ये सब की दही है। और ब्राह्मण बाबू, ब्राह्मण बाबू हमारे बैठे हुए हैं, और ये हाँ मेरी, हम लोगों का दो दो रिलेशन है तो ये कितना कितना ही बता सकते हैं, क्यों मुकेश है ना। क्या ही बोले इधर से। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब गोलू का इंतजार हो रहा है और पंकज जी का हो रहा है। पंकज जी ब्राह्मण है हमारे, भतीजी जग गई आने के रास्ते, भतीजी जग गई मेरी। अबे अबे मेला जबला, अरे मेला जबला 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 जबला, अरे भाई देखो ये ऐसे आती है कमरे से उठ के अंडे के घर की तरह। देखो अरे भाई हाँ, इतने जोर जोर से हल्ला के लिए है ना, यू उठ गए, जाओ बाबा जाओ, बाबा आ गए, बाबा चिज्जू लेके आए, पापा आए हैं ना कमरे में, सिर्फ देखते रहना। ये क्या है, ये सब क्या है। और यहाँ पर खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नहीं गाजियाबाद से नहीं, इल्किन है, इल्किन है फरीदाबाद से। अन्नू मम्मी के लिए गुलाब रोज लाती है डेली। हेलो। और आज अन्नू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, ब्लू साड़ी में। कैसे हैं आप? ऑन टाइम हमारे साथी और हमारी दीदी वहाँ पे।
आज है मम्मी की चौथी छाया, तो हर छाया में अन्नु आई है। पिछली बार नहीं आ पाई थी क्योंकि छठ था, इस वजह से नहीं आई थी। और यहाँ पर मम्मी को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब भी आती है तब भी। पापा गुस्सा भी कर रहे थे कि मत रोया करो अब इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रो रही है तो आप थोड़ा सा उसे चुप करा दो। और ऐसे ही पापा ने किया, क्योंकि पापा को नहीं पसंद कि इतना कोई रोए। हम लोगों को रोना भी रहता है ना, तो साइड में होके या फिर मन में रो लेते हैं, हमेशा ही रोते रहते हैं। सही में मैं बताऊं आपको, कभी ऐसा नहीं होता कि अभी तक भी अभी यकीन नहीं हो रहा है हम लोगों को कि मम्मी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो पूछना रहता था कि मम्मी ऐसे वैसे, तो अभी भी होता था कि अभी पूछ लेते हैं। मुझे तो कई बार साक्षी के यहाँ होती हूँ तो होता है कि कॉल करती हूँ, ये पूछती हूँ, बट अब तो चीज़ें ही बहुत सारी अलग हो गई हैं। पापा ने कहा कि यहाँ पे खाना लगा दो, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जियाँ लगाने, तो सारी सब्जियों को मैंने लगा लिया है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो पकौड़े भी रहते हैं, तो यहाँ पे मामी पकौड़ों में लग गई थी। मैंने कहा यहाँ पे मैं अपना सब्जी वगैरह निकाल के थाली कम से कम मैं लगा देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने थालियाँ लगाई है। और गोलू भी आ गया है, क्योंकि गोलू, मुकेश और एक जो पंकज जी हैं वो तो हमारे हैं, ये तीन ब्राह्मण हो गए। प्रथम आ जाता तो और भी अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, प्रथम का स्कूल था और जल्दी निकले हैं ये लोग, और जल्दी के चक्कर में बाइक से ही आए हैं, तो झाजी बाइक से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बच्चों को लाने में, और सेफ़ भी नहीं है, इस वजह से नहीं आया प्रथम। बाकी तीनों जने का खाना मैंने लगा दिया। गुड्डू कह रहा था कि ज़्यादा चावल डालो, मगर मैंने कहा थोड़ा ही चावल दूंगी, क्योंकि जब लेना होगा तो ले लेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हैं, पकौड़े रहते हैं, तो इसी में इंसान पेट भर जाता है सच में, और जिसको जो भी चाहिए होगा वो तो फिर ले ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल मैंने कोई कम भी नहीं लगाए, ठीक ठाक लगाए हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं, पकौड़े हैं, ये सब रहेंगे तो सब जाता, तो मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ पेट में ही ना, इस वजह से। और यहाँ पर मामा जी अपना सर्व कर रहे थे। खाने में इस बार भी दाल चावल ही है, आप लोगों ने देखा है कि दाल चावल, कटहल की सब्जी, आलू गोभी, मटर की सब्जी, आलू नहीं बैंगन अदौरी और साग है, जिमीकंद की चटनी है, और आंवला धनिया पत्ता की चटनी है, इतनी सारी चीज़ें हैं ही, पकौड़े हैं, पापड़ है। ये बहुत गलत ब्राह्मण है ये सारी मेहनत पे मेरे जो है वो पानी फेर रहे हैं। सारा खाना देखो इनका ऐसे ही है। कितने प्यारे प्यारे ब्राह्मण अगल बगल बैठे हैं, इतने प्रेम से खा रहे हैं, हैं? मिठाई रखी है तो ऐसे डर के कह रहे हैं नहीं 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 रखना। जो वो है ना फ्रेंड, क्या कहते हैं इसको, इसको जो हमने वो दे रखा है एम्बेसडर बना रखा है, ब्रांड एम्बेसडर। इन्हें सिखाना पड़ेगा कैसे खाते हैं ब्राह्मण भोजन है। शुभी आपने पकौड़ा खाया? नहीं, छोले भटूरे खिला दे इसे। नहीं, ये भी अच्छा बहुत अच्छे बना देता, देख ले क्या मिला है बुआ छे, क्या मिला है, किच्ची कर दो बुआ को कर दो, छोटी बुआ को किच्ची कर दो। इतने क्यों खुश है। ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराने के बाद, दही वगैरह सब आती है, वो सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर अच्छे से सभी ने खाना खाया। और सबको भोजन कराने के बाद यहाँ पर पापा और बड़े मामा जी भी कर लेते हैं भोजन, उसके बाद आती है हम लोगों की बारी। खाना पीना भाई, ये तो हमारी है लेडीज पंगत, ये रही छोटी दीदी, ये बड़ी, ये रही छोटी दीदी, बड़ी दीदी और सबसे बड़ी दीदी हमारी इधर बैठी। ये हमारी टुन्नी दीदी है। अब मैं कैमरा ऑन रखने वाली हूँ जो दीदी खाएंगी और आगे एक्सप्लेन करेंगी। नहीं, मैंने खा लिया थोड़ा सा, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, बहुत। नाउ आप दोनों दीदियों की एक फोटो लें, इधर देखो अन्नू दीदी।
हम चारों लेडीज के खाते खाते मेरे ख्याल से 2:30 बज ही गए थे और हम लोग जब ही खाना खा के बैठे तो आ गए थे बच्चे। तो अन्नू सबसे मिल रही थी और इसको ये लगता रहता है कि बस भतीजे भतीजी आपको मैं क्या ही बताऊं। आप लोग जान ही सकते हैं कि भतीजों से या भतीजी से कितना ही प्यार होता है। भाइयों से तो होता ही है पर भतीजा भतीजी ना एक अलग से ही होते हैं। यहाँ केशव बड़ा हो गया तो उसको लेके इसको बहुत रहता है कि केशव कितना बड़ा हो गया है। सच में केशव एकदम से बहुत बड़ा हो गया है। 2 साल पहले बहुत छोटा था ये। डाउटफुल नहीं, एग्जाम तो सारे ठीक जाते हैं पर नंबर बट नंबर ही गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर अन्नू बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और कह रही थी कि दीदी मैं सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को इसकी बातें बता देती हूँ। ये कह रही थी कि किसी की भी मम्मी ना नहीं जानी चाहिए क्योंकि बच्चों की एक ही मम्मी होती है और मेरी तो एक ही मम्मी थी। सबकी मम्मी तो एक ही होती है और कह रही थी भगवान किसी से भी उसकी माँ ना ले, तो यही सारी चीज़ें बोल रही थी ये और बहुत ही भावुक हो गई थी। बैकग्राउंड में बच्चों ने गाने चला रखे थे इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड नहीं वो किया, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। इसके बाद ना अन्नू के घर शादी है तो हम लोगों को भी जाना है। अन्नू के बड़े वाले जेठ के बेटे की शादी है तो यहाँ पर मैं और अन्नू एनी की ड्रेस लेने के लिए बाहर निकल गए थे क्योंकि 2-3 दिन से आना भी परेशान हो रही है कि मौसी क्या पहनूं नहीं पहनूं। और एक दिन पहले आन्या और अन्नू गए भी थे मार्केट बट कुछ समझ में नहीं आया, मगर यहाँ पे मैंने कहा कि चलो आए हो तो निकल जाते। अन्नू ने भी फोर्स किया, दीदी चलो यहीं पे देख लेते और आप रहोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो यहाँ गई ना तो फर्स्ट शॉप पे ही हमें बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखे। यहाँ पे आप लोग बताना कि कैसा ही लग रहा है। पहले तो येलो वाला देखिए और उसके बाद ये ब्लू वाला भी बहुत अच्छा है। ब्लू नीचे है और उसके ऊपर क्रीम का बेस ऊपर है, ये जो है ये भी अच्छा लग रहा था। इनके पास जितने भी थे सारे कलेक्शन हमें अच्छे लगे। ये वाला भी ब्लू सूट अच्छा लग रहा था बट वो सूट नहीं कैरी करती है, पहनती ही नहीं है। जैसे क्रॉप टॉप वगैरह है वो भी नहीं पहनती है, उसको बहुत ही ज़्यादा उसको चॉइस हम लोगों को वो लगता है कि पता नहीं कैसे ही होगा, खाली जीन्स टॉप वो पहनना चाहती है। तो यहाँ पर हमने ना ये येलो ले लिया, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। रीज़नेबल प्राइस में था ये, मेरे ख्याल से इसने 1600 का दिया है और ऑफ वगैरह इस पर कुछ नहीं था, जितना प्राइस था उतना ही दिया है। फिक्स प्राइस की शॉप थी बट ये तो ले लिया था, बट इन्हीं की शॉप एक अंदर भी है। इन्होंने कहा कि कुछ लहंगा या क्रॉप टॉप वगैरह देख लो, तो हम इसको अंदर आए थे इस शॉप में, इन्हीं की शॉप है ये। तो यहाँ शालीमार गार्डन में ही गए थे और पीछे ही थी ये, तो यहाँ पे भी मुझे एक आधी चीज़ें अच्छी लगी थी बट अन्नू ने कहा कि लहंगा ना दीदी रखा रह जाएगा, वो कभी नहीं पहनेगी। और सच में ये येलो जो मेरे हाथ में है बहुत ही अच्छा था तो वो नहीं लिया हमने। पहले जो आपने देखा है येलो वो लेके हम आ गए घर। कैसी लग रही है येलो वाली ड्रेस आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताइए कि आप लोगों के घर में क्या ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ जीन्स टॉप पहनना चाहते हैं। और हो गई हमारी शॉपिंग वगैरह सब। सबसे अच्छी चीज़ की एनी के लिए मैं कुछ ड्रेस ले आई हूँ। अन्नू और मैं थे ना तो हो भी गया, अकेले अन्नू शाम को गई भी थी, वीडियो कॉल कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और अब जा रही है अन्नू घर क्योंकि पंकज जी का घर पे भी कुछ काम है। क्यों पंकज जी? काम ही काम है, अब तो शादी का घर आ रहा है इनके। हाँ तो बस घर में बहुत अच्छी खुशी आने वाली है तो इसीलिए पंकज जी अन्नू और निकल रहे हैं। चलो फिर 10 तारीख बहुत अच्छा, 10 को मिलते हैं। घर पर चलो आ जाए करिए ऐसे ही। आप भी अब तो पूरी सर्दियाँ इतना काम है नहीं आपको? पूरी सर्दी में रहूंगा नहीं ना, यहाँ कहीं ना कहीं बाहर ही रहूंगा। अच्छा आप तो जल जाते हो। कौन गिराता है सीढ़ी से?
फिल्म देख रही हूँ। हाँ बहुत दिनों जो देख रही हो ना बेकार है, सेकंड पार्ट देखो। आपसी बन्नू अच्छी लगती है इसलिए अच्छी लगती है। हाँ, सेकंड देखा हुआ है मैंने। आपने सेकंड देखा हुआ? आप देखोगी क्राइम पेट्रोल? थोड़ा थोड़ा देखूंगी। हाँ हमारे क्राइम में आप पूछने जा रही, आप देखोगी मूवी तो मैं बीच में मूवी नहीं देख सकती। क्राइम पेट्रोल की तो इसको भी आदत लग गई है थोड़ी थोड़ी। अरे चस्का चस्का नहीं सोचता रहेगा ना तो लेके चलो एक एपिसोड ही। चलो एक एपिसोड देख लेते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग चाया करते हैं कि नहीं, आप लोगों में क्या रिवाज है? हम लोगों में हर महीने एक साल तक चाया होता है, जिस तिथि को मम्मी गई रहेंगी उसी तिथि को। तो आप लोग यहाँ ये रिवाज है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए भर भर के। और यहाँ पर हम तो देख रहे हैं एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड। आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, या फिर आप लोग भी हमारी तरह क्राइम पेट्रोल देखते हैं, ये भी बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।